सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्टाफ का अमानवीय चेहरा सामने आया है। एम्बुलेंस 108 का पैरा मेडिकल कर्मचारी कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की शिफ्टिंग के बाद बॉडी शूट में गश्त खाकर गिर गया, लेकिन बीएमसी के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उसे उठाने के लिए हाथ तक नहीं लगाया। वह लगभग 25 मिनट तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। बाद में एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने ही उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र की 108 एम्बुलेंस के ईएमटी हीरालाल प्रजापति को उस समय जान के लाले पड़ गए जब वे सागर टीवी अस्पताल से एक कोरोना मरीज को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर रहे थे और अचानक शिफ्टिंग के दौरान बेहोश होकर वह सड़क पर गिर गए। वह करीब 25 मिनट तक उसी तरह प्लास्टिक की पीपीई किट में जमीन पर पड़े रहे, लेकिन उनको उठाने के लिए मेडिकल कॉलेज से कोई भी आगे नहीं आया। और जब 108 के उनके साथी कर्मचारी ने उठाकर अंदर इलाज के लिए ले जाना चाहा तो जवाब मिला कि इनको जिला चिकित्सालय लेकर जाओ, यहाँ बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टर नहीं है। एम्बुलेंस के स्टाफ ने बताया कि हीरालाल मरीज को शिफ्ट करने के दौरान काफी देर तक खड़ा रहना पड़ा था और ज्यादा स्वेटनिंग होने की वजह से वे बेहोश हो गए थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं दिखाई। अब सोचने का विषय यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग के सहकर्मी के साथ स्वास्थ्य विभाग का यह अमानवीय रवैया है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। 108 के कर्मचारी आज दिनांक तक पूरी ईमानदारी से कोरोना की इस लड़ाई में शासन प्रशासन का साथ दे रहे हैं, लेकिन आज एक दुखद घटना हमारे साथ घटित हुई है। हमारे EMT हीरालाल जी, जो कि सुबह शाम को 5:30 बजे टीवी हॉस्पिटल एक दो कोरोना पॉजिटिव मरीज लेने पहुंचे, जिन्होंने बॉडी सूट पहन रखा था, बॉडी सूट जो कि प्लास्टिक का बना होता है, उसमें उनको काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी उनकी पसीना निकला, स्वेटिंग हुई और लगभग आधे घंटे वहाँ पे खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज पहुँचने के बाद उनको लगभग 30-40-45 मिनट खड़ा रहना पड़ा, जिसके कारण उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई और वो चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए और उनको कन्वर्जन आने लगे। जब हम 108 का स्टाफ वहाँ पे पहुँचा तब वो वहीं पर पड़े थे। हम लोगों ने ही उठा के उनको BMC में अंदर ले गए, जहाँ पे BMC की टीम में जो भी वहाँ पे थे उन्होंने यही बता दिया कि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय दिल्ली लेकर जाइए। तो वहाँ से उनको जिला चिकित्सालय दिल्ली ले जाया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।